मुरादाबाद की साइबर थाना पुलिस ने फर्जी इंश्योरेंस कंपनी चलाने व लोगों को लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले दो ठगों को गिरफ्तार कर शातिर ठगों के गैंग का खुलासा किया है। मुरादाबाद के बुद्धि विहार में फर्जी इंश्योरेंस कंपनी चलाने वाले शातिर ठग गाजियाबाद में कॉल सेंटर बनाकर वहां से लोन पास कराने का लालच देकर लोगों के साथ ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। पुलिस को जब ऐसे गिरोह के संबंध में जानकारी मिली तो पुलिस ने काफी मेहनत के बाद इस शातिर गैंग के दो सदस्यों को गिरफ्तार कर कई ठगी की घटनाओं का खुलासा किया है। पुलिस ने अभिषेक और संदीप को गिरफ्तार किया है। ये लोग गाजियाबाद में कॉल सेंटर बनाकर वहां से मुरादाबाद में लोन के लिए परेशान लोगों को शिकार बनाकर उनके साथ ठगी करता था। पुलिस ने इन शातिर ठगों के पास से 1,49,000 रुपए नगद, 15 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, 1 टैबलेट, 19 सिम कार्ड, 13 अलग अलग बैंक के ATM कार्ड सहित काफी सामान बरामद किया है। ये साइबर थाना मुरादाबाद परिक्षेत्र ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए एक फर्जी इंश्योरेंस और लोन के माध्यम से जो ठगने का गिरोह था उसका भंडाफोड़ किया है। इसमें बुद्धि विहार के रहने वाले जागेश जी के साथ 4,18,000 रुपये की ठगी हो गई थी और 6 नवंबर को इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही थी। इसमें एक गिरोह का खुलासा हुआ है जिसमें गाजियाबाद में ये लोग कॉल सेंटर चलाते थे। उस कॉल सेंटर के माध्यम से ये लोगों को फ़ोन करते थे कि आपकी जो इंश्योरेंस है हम इसको जल्दी प्रीमैच्योर आपको अमाउंट दिला देंगे, या फिर आपको लोन की ज़रूरत है तो हम आपका लोन बहुत जल्दी पास करा देंगे। ये उसी की एवेज में ये लोग प्रोसेसिंग फ़ी, चार्जिंग फ़ी ऐसे कर करके लगातार जो ग्राहक होते थे उनसे पैसे ठगते रहते थे और इनको झांसा देके इनके साथ बड़ी ठगी करते थे। इसी में एक अभियुक्त अभिषेक है जो पहले जेल भेजा जा चुका है। आज ये राजीव पुत्र रामवृक्ष जो बिहार का रहने वाला है और संदीप पुत्र कृष्णलाल ये मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है। राजीव जो था गाजियाबाद में साहिबाबाद एरिया में एक कॉल सेंटर चलाता था जहाँ से ये इस तरह की कॉलिंग करते थे और अलग अलग बैंक अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफ़र किया जाता था। संदीप जो है इसमें विभिन्न जो बैंक अकाउंट होते थे जिसमें पैसा ट्रांसफ़र होगा उसकी तलाश में इन लोगों को तैयार करता था और उसके एवज में ये 5% का इसका कट रहता था। इस पूरी कार्रवाई में कुल 1,49,000 रुपये नकद बरामद किए गए, साथ ही 1,92,000 रुपये अकाउंट में फ्रीज कराए गए हैं। इसके अलावा 15 मोबाइल फ़ोन, 2 लैपटॉप, 1 टैबलेट, 19 सिम कार्ड, 13 ATM कार्ड, 2 रजिस्टर या साथ में 2 कॉपी बरामद की गई है इनसे। सर ये बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के बाद इनकी नौकरी को छोड़ दी गई है। ये लोग पहले भी इस तरह के काम में लिप्त थे। इनसे जो पूछताछ में बताया गया है ये पहले मेरठ और गाजियाबाद में रहते हुए दूसरे अन्य लोगों के लिए काम करते थे। लॉकडाउन के बाद इन्होंने कार्य शुरू किया और ये ज़्यादा दिन नहीं हुए थे इनको। इन्होंने जो बताया अभी तक की पूछताछ में कि 2-3 महीने से हम लोग एक्टिव हुए थे और कुछ ही काम कर पाए थे। इसमें विवेचना भी प्रचलित है। इनके जो कंप्यूटर मिले हैं, मोबाइल फ़ोन मिले हैं, साथ ही जो अन्य डिटेल्स है उस पर विवेचना की जा रही है। अन्य लोगों के साथ जो इन्होंने ठगी करी है उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है। जो भी विवेचना में आएगा तथ्य के आधार पर विधिक कार्रवाई शुरू करी जाएगी। सर इनकी प्रोफाइल क्या है? ये दोनों ही 25-26 साल के उम्र के लड़के हैं। इसमें एक लड़का जो बिहार से है, जो राजीव जो कॉल सेंटर चलाता था ये बाली पास है, और जो संदीप है जो मुजफ्फरनगर का है ये सेकंड ईयर की तब से पढ़ाई करने की इसने बात बताई है। और ये पढ़े लिखे थे, ये सोफिस्टिकेटेड रूप से बात करते थे। अपने कॉल सेंटर में ये लोगों को हायर करते थे और उनसे ये कॉलिंग कराते थे। और जो इनके कॉल सेंटर में कॉल काम करते थे ज़्यादातर उन लोगों को पता नहीं रहता था कि ये पैसे जो अकाउंट में जा रहे हैं तो वो मतलब फर्जी तरीके से जा रहे हैं। कई लोगों को लग रहा था हम सही में कॉल सेंटर या मतलब लोन दिला रहे हैं या सही में इंश्योरेंस लोगों को प्रीमैच्योर दिला रहे हैं। सर इनके और भी साथी हैं, केवल ये 2 ही लोग ही काम करते थे इसमें? इसमें जो उन्होंने पूछताछ में बताया कि मुख्यतः हम 3 लोग थे जिसमें से एक पहले जेल जा चुका है, 2 ये लोग हैं। इसके अलावा भी इनके कुछ साथी थे जिनके बारे में हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे।